चैनल ट्रैवल माई कश्मीर में आपका स्वागत है। आइए लेटेस्ट टूरिस्ट अपडेट्स के साथ शुरुआत करें। इस वर्ष देर से लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वर्तमान में कश्मीर में लगभग सभी स्थानों पर बर्फ उपलब्ध है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सभी स्थानों पर आपके आनंद लेने और खेलने के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्फ है। कृपया ध्यान दें कि अब हम वसंत ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं और नई बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। जैसा कि हमने अपने सभी हालिया समाचार अपडेट में पहले बताया था कि मार्च और अप्रैल को कश्मीर टूरिज्म के लिए पीक सीजन माना जाता है और चीजों को बहुत पहले रिजर्व करना पड़ता है, जो अब स्पष्ट है क्योंकि लगभग सभी चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जैसे कि होटल्स, कैब्स, एक्टिविटीज। गौरतलब है कि 8 अप्रैल तक के 2 लाख गोंडोला टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध होने के 24 घंटे से भी कम समय में बिक गए। ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल बढ़ते तापमान के कारण अब पिघलना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास गुलमर्ग जाने की प्लानिंग है तो इस झरने को विजिट करें जब तक यह अभी भी मौजूद है। रमजान के चल रहे महीने के कारण अधिकांश रेस्तरां में दिन के समय खाने की खुली जगह नहीं होगी। हालांकि आप बिना किसी समस्या के होटल परिसर के अंदर खाना खा सकते हैं। नाश्ते के लिए बाजार और उद्यान शाम 6 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यदि आप 9 से 11 अप्रैल के बीच पड़ने वाले ईद के दिनों में यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि केवल प्रतिष्ठित एजेंसियों के साथ यात्रा करें, क्योंकि अक्सर लोग इन दिनों को अपने घरों में अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं और इससे आपकी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी वाहन पर्यटकों को पहलगाम और सोनमर्ग में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए ले जा सकता है। पहले केवल स्थानीय यूनियन कैब को ही अनुमति थी, हालांकि स्थानीय कैब यूनियनों ने इसका विरोध किया है। फिलहाल इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 23 मार्च को 1.7 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स के साथ किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे अगले आने वाले टूरिस्ट्स को मदद मिल सकती है। जम्मू श्रीनगर हाईवे अक्सर स्थानों पर खराब स्थिति में है और श्रीनगर लेह राजमार्ग बर्फ जमा होने के कारण बंद है, हालांकि बीकन ने पहले ही सफाई कार्य शुरू कर दिया है। श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह राजमार्ग पर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें। अब गुलमर्ग और सोनमर्ग जाने के लिए जंजीर वाले वाहनों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सड़कें अब साफ हो गई है। अब गुलमर्ग गोंडोला के बारे में टिकटें 8 अप्रैल तक बिक चुकी हैं और 8 अप्रैल तक इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। कई पर्यटकों ने एजेंसी की प्रतिष्ठा की जांच करने के बजाय सस्ती कीमत पर पैकेज खरीदे थे, जो अंततः प्रत्येक दिन के लिए 5,000 टिकट जारी होने के बावजूद गोंडोला टिकट प्राप्त करने में विफल रहे। कृपया किसी घोटाले में न पड़े क्योंकि टिकट प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। किसी विशेष स्लॉट के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। जैसा कि हम हमेशा कश्मीर आने वाले टूरिस्ट को YouTube पर सभी लेटेस्ट जानकारी के साथ अपडेट करते हैं, हम ट्रैवल माई कश्मीर के साथ आने वाले मेहमानों का विशेष ध्यान रखते हैं। एक यादगार कश्मीर ट्रिप के लिए आप हमारी टीम के साथ अपनी ट्रिप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी एजेंसी से अलग हम यह सुनिश्चित करने के लिए डेली रिव्यू वीडियो अपलोड करते हैं कि आप अंतर महसूस करें। फिलहाल 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और इस बीच गुलमर्ग और सोनमर्ग के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर अगले सप्ताह का मौसम देख सकते हैं। यदि आप भी एक गाइडेड, वेल कोऑर्डिनेटेड और मेमोरेबल कश्मीर ट्रिप चाहते हैं तो ट्रैवल माई कश्मीर से जुड़े। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।